हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि जो SSC CHSL 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 मई से, उसमें आप कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर ला के अपना जो ड्रीम जॉब है वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, एक मंथ बचा हुआ और एक मंथ में आप क्या करेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर आए, मैं आपको बताने वाला। मेरा स्कोर जो 2020 का CHSL हुआ था उसमें 170.5 है और उसका जो कट ऑफ गया था 140 गया था 2020 का CHSL में। ये 2021 है, उसका पता नहीं कि पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, वो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता आपको जब तक आप पेपर नहीं देंगे। क्योंकि आपको जानते हैं कि 36 पेपर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 36 पेपर में कौन सा हार्ड होगा, कौन सा ईजी होगा, आपका कौन सा शिफ्ट मिलेगा, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका क्या मतलब है कि आप कितना अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए अपना शिफ्ट में, चाहे ईजी हो, चाहे हार्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आप अच्छे स्कोर कैसे कर पाएंगे वो आपको देखना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो CHSL का एग्ज़ाम होता है वो 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें 1.5 घंटा का समय रहता है। उसमें से 25 मैथ रहता है, 25 रीजनिंग रहता है और 25 इंग्लिश रहता है और 25 GK GS रहता है। और सभी अपने आप में जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जो भी चार जो टॉपिक है, GK GS, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। लेकिन लड़का लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करता है वो करता है किस में, मैथ्स में। अभी तो इंग्लिश आपका इजी पूछा जाता है, इसलिए इंग्लिश में भी बहुत कोई अच्छा स्कोर कर लेता है। तो मैथ्स में देखिए, जो 25 क्वेश्चन रहता है उसमें 50 मार्क्स का रहता है। उसमें से अधिकतर जो लड़का लोग, जो मान लीजिए कि तो अच्छे लड़का है, जो 155-160 नंबर जो लाता है, उसका मैथ्स में स्कोर बहुत अच्छा रहता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो पहले से, मान लीजिए कि बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि जो 4 साल से 5 साल से पढ़ रहा होता है, और न्यू कमर होता है तो न्यू कमर थोड़ा सा कम स्कोर लाता है। क्योंकि जो क्योंकि उसका जो सबका जो सिलेबस है सेम, SSC CGL का जो भी तैयारी कर रहा होगा, CHSL का जो भी तैयारी कर रहा होगा, MTS का, CPO का, सबका लगभग सिलेबस सेम है। तो एक बार तैयारी हो जाने के बाद कोई भी मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो यदि आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपके पास एक मंथ है। अब एक मंथ में ऐसा नहीं कि आप 8,000-9,000 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो कम से कम जो हम बता रहे हैं उसको देखिए। यदि आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो कि देखिए, CHSL जो 2020 का हुआ था एग्ज़ाम, और CGL 2020 का जो हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, और इसका जो मेंस का भी हुआ था, CGL का मेंस का एग्ज़ाम, ओला जो यहाँ पर हुआ था सिलेक्शन फेज 9 का उसका, और यदि जो CGL 2021 का एग्ज़ाम हो गया है, अभी तक 18 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसका जो आंसर किया आएगा, यदि उस क्योंकि 8-10 दिन में तो आंसर किया आ जाने वाला है, तो 8-10 दिन में आंसर किया आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ कि 21 शिफ्ट की 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अब उतना क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। 21 शिफ्ट में शायद एग्ज़ाम हुआ है, तो 21 शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पास जब आ जाएगा तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मान लो कि CHSL का 2020 का, CGL 2020 का, और जो CGL 2021 का जो अभी टायर 1 का रिजल्ट आने वाला है, और फेज 9 का, आप ज़्यादा ज़्यादा इसमें 2000 क्वेश्चन के आसपास होगा। 2000 क्वेश्चन आप यदि मैथ में कर लेते हैं, क्योंकि सब रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं कि 2000 आपको नया नया टॉपिक मिलेगा। सो आपको यदि 2000 में से नया क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा, बाकी सब रिपीट हुआ जो पहले आप पढ़े होंगे। यदि ये आप कर लेंगे तो आप 25 में से आराम से, और उसके पास कैलकुलेशन भी चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए आपके पास, कैलकुलेशन, अधिक कैलकुलेशन फास्ट है, तो आराम से 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। देखिए, सिली मिस्टेक हर किसी से होता है, ठीक है, आप एक दो सिली मिस्टेक हो जाता है, आप बनाने के जानते हैं फिर भी सिली मिस्टेक हो जाता है। इसके कारण यही बोल रहे हैं कि जो हम बताएं उसको आप कीजिए, देखिए मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर आएगा। और पैटर्न समझिए क्वेश्चन को कि कैसा पूछा जा रहा है, वो यदि आपको समझ में आ गया कि पैटर्न, तो बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। चलिए उसके बाद देखिए रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपके जो सोच है उससे परे रहेगा, ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा कि आपका क्या सोच है, क्योंकि आपका सोच और जो क्वेश्चन सेट कर रहा है दोनों का सोच यदि मिल गया तो आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। इसलिए एक दो क्वेश्चन आप इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 25 में 25 नहीं कर पाएंगे, लेकिन 25 में से 25 हो जाएगा यदि आपको बोल रहे हैं कि आपका सोच और जो क्वेश्चन जो सेट कर रहा है उसका सोच यदि मिल गया तो 25 में से 25 रोक आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास यहाँ पर देखिए 1 घंटा का समय रहता है, तो ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन यदि हार्ड आ गया तो उसके कारण आप छोड़ उसको, मतलब कि उसी पर लग गए। क्योंकि आप देखिए, इजी क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर दे रहा है और हार्ड क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर दे रहा है, तो आप पहले देखिए कि आप पहले अटैम्प्ट में जितना भी आप सही कर पा रहे हैं इजी क्वेश्चन को, उसको पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप 100 में से 80, 85, 83 सही कर पा रहे हैं तो उतना ही अच्छा है। क्या आप 100 में से 100 आने से ही दिक्कत नहीं ना है कि आप, ठीक, आप टॉप बहुत अच्छे है, मतलब क्या स्टूडेंट, तो आप 100 में 100 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 80, 83, 84, 85 यदि बना रहे हैं, एक्यूरेसी फुल है आपका, ठीक है, तो आप तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत। मान लो कि 84, 83 मार रहे हैं, एक दो गलती हो गया, मान लो 80, 160 के आसपास आ रहा है,
155 के आसपास आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन से 3-4 नंबर तो पक्का बढ़ेगा, 160 के आसपास तो आ रहा है, तो इसलिए आप रीजनिंग भी अच्छा कर सकते हैं। और देखिए इंग्लिश, इंग्लिश बहुत ईजी आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, CBSE बैकग्राउंड से, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। यदि लेकिन आप स्टेट बोर्ड से दिए होंगे या तो जो हिंदी बैकग्राउंड से, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, चाहे ईजी हो चाहे हार्ड हो, उसको इंग्लिश इंग्लिश जैसा ही लगता है, लगता है कि क्या हार्ड आ गया, कितना हार्ड आ गया। लेकिन फिर भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। CBSE वाले तो 25 में 25 आराम से कर सकते हैं, 23-24 तो कोई नहीं रह सकता है। लेकिन यदि आप जो स्टेट बोर्ड रहता है, उन लोग को थोड़ा सा डर लगता है कि इंग्लिश आ गया, अरे भाई इंग्लिश। इसलिए हम भी अपने आप में स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है। मेरा 10th में बहुत कम मार्क्स था इंग्लिश में, यही कारण, इंग्लिश के कारण बोले इंग्लिश, वाह इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसका कारण क्या है, ईजी आ रहा है। और ईजी आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसका अधिकतर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अधिकतम जो आपका पास रूल है ग्रामर का रूल, वो भी रिपीट हो रहा है, वर्ड भी रिपीट हो रहा है, एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा। और रहा क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आप आराम से उसको कर सकते, क्योंकि इतना हार्ड आपको टायर 1 में नहीं मिलेगा। यही चीज़ होता है मेंस में, थोड़ा सा लेवल का पूछा जाता है, हल्का सा लेवल का, लेकिन टायर 1 में एकदम ईजी। आपका सोच यदि सही है तो आप आराम से 5 में से 4-5 आराम से कर सकते हैं, ठीक, क्लोज टेस्ट में से। तो आप 25 में से आप आराम से 45 के आसपास नंबर ला सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी पूछ रहा है आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इंग्लिश बहुत अच्छा लेवल का पूछा जाता था, उसमें जैसे मान लो कि 17-18 भी हो जाता था तो बहुत लगता था कि बहुत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं GK GS, GK GS के लिए आप जानते हैं कि बहुत सारा टॉपिक है और बहुत वास्ट सिलेबस है, क्योंकि GK GS का बहुत वास्ट है। जितना भी आपका टॉपिक होता है दुनिया में, GK GS में वो सब चीज़ पूछा जाता है। और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से करंट अफेयर का 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी 5 भी पूछता है, कभी कभी 2 भी, कभी कभी ना के बराबर। लेकिन जो भी 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए अब जो CGL का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत पीछे का क्वेश्चन पूछ रहा था, 2020 का पूछ रहा था, 2019 का, 2021 का, और 2022 में एग्जाम हो रहा है, उतना पीछे का पूछ रहा था। लेकिन इसी से पहले जो फेज 9 का हुआ था, ठीक है, ESIC का हुआ था, और जो ICAR का हुआ था, उसमें अधिकतर पीछे का नहीं पूछा था, 6 महीना के पीछे का ही पूछा था। उसमें कुछ हार्ड मतलब ऐसा नहीं कि आपके 4 साल पहले, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले नहीं पूछा था। लेकिन क्या पता कि आपका जो सेट होगा उसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए पांच आप यदि 25 में से, ऐसा नहीं कि आपको 25 में 25 तुक्का मार के आ जाना है, सो ठीक है। यदि आप GK GS में 22-25 नंबर भी स्कोर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर, 25 का नंबर यदि स्कोर कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन में से 25 नंबर, 50 मार्क्स में से 25 नंबर, यदि 25 नंबर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स, ठीक है। तो देखते हैं फिर आगे, 24 मई से स्टार्ट होने वाला, आप उसको पूरा अच्छा से पढ़िए। यार प्रीवियस ईयर का खाली आप, हम जो बोल रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो, GK हो, चाहे GS हो, चाहे रीजनिंग हो, आप CHSL 2020 का सेट पूरा मारिए, CGL 2020 का जो सेट है उसको मारिए, और 8-10 दिन में आपको ऐसा मारते रहिए, फिर 8-10 दिन के अंदर आपको CGL 2021 का, आपका जो 2021 का जो CGL हुआ उसका जो 18 या तो 21 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आपको आंसर के आने के बाद आपको मिल जाएगा, उसका भी सेट मार दीजिए, आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे, हम लिख के बोलते हैं। इतना यदि आप कर लेते हैं तो 24 में से, लेकिन जानते हैं कि CHSL का एग्ज़ाम जो होगा 36 शिफ्ट के आसपास में होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा स्कोर 163.5 था, ठीक है, और बढ़ के नॉर्मलाइज होकर 170.06 है इस तरह, ठीक है। इसमें देखिए मेरा कितना स्कोर है सब में, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आगे सोचेंगे क्या करना है। यदि आपको कोई चीज़ में, कोई भी आपको स्पेशल टॉपिक में यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कैसे करें स्कोर, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग कल।